हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। सो गाइस सर, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले कि आप लोग किस तरीके से कॉपी लेवल का वन टैप हेडशॉट मार सकते हो विथ थ्री फिंगर एचडी में। एंड यार, इस टॉपिक के ऊपर मैंने एक वीडियो पहले से ऑलरेडी बना चुकी है। एंड यार, अगर आप लोग ने वो वीडियो नहीं देखा है तो गाइस सर, आप लोग देख सकते हो। उस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया कि आप लोग किस तरीके से इजीली तरीके से टू फिंगर से लेकर थ्री फिंगर शिफ्ट हो सकते हो, जो कि काफी बेस्ट कस्टम है। आप लोगों को मैंने बताया, तो आप लोग जाके ऑलमोस्ट वो वीडियो देख सकते हो। एंड यार, इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं कि आप लोग किस तरीके से कॉपी लेवल का वन टैप हेडशॉट मार सकते हो, जो कि आप लोगों को मैं पूरा प्रोसेस बताऊंगा, जो थ्री फिंगर आप लोग शिफ्ट करके इजीली तरीके से वन टैप हेडशॉट मार सकते हो। एंड यार, एक बेस्ट फास्टेड मूवमेंट कर सकते हो। एंड यार, ऑलमोस्ट वैसे बहुत सारे बंदे होंगे जो कि गाइस सर ऐसा सोचते हैं कि थ्री फिंगर मुझसे नहीं होगा, तो गाइस सर आप लोग ये सोचना बंद कर दो, थ्री फिंगर स्टार्ट कर दो, क्योंकि आप लोगों को एक टाइम ऐसा आएगा ना गाइस सर, जिससे यार थ्री फिंगर सारे बंदे खेलते रहेंगे और आप लोग एक ओपी लेवल का गेम प्ले अपना बना पाओगे। अब देखो गाइस सर, बेसिकली अगर आप लोगों को एक ओपी लेवल का वन टैप हेडशॉट मारना है, एंड यार बेसिकली अगर राइस्टर भाई की बात कर ले, एक लीजेंड प्लेयर की बात कर ली जाए, तो गाइस सर राइस्टर भाई भी टू फिंगर पहले गेम प्ले अपना बनाते थे, बट गाइस सर उन्होंने धीरे धीरे अपने थ्री फिंगर पे शिफ्ट हो गए। एंड यही नहीं गाइस सर, उनका गेम प्ले आज के दौर पे इतना ज्यादा ओपी लेवल का है ना गाइस सर, एक हर प्लेयर उनकी जैसा बनना चाहता है। सो यस गाइस सर, इस वीडियो में मैं देखो आप लोगों को पूरा प्रोसेस बता रहा हूं। तो देखो गाइस सर, सबसे पहले आता है मेन पॉइंट, आती है कस्टम एचओडी। अब देखो, अगर आप लोग टू फिंगर प्लेयर हो तो आप लोगों को अपनी कस्टम एचओडी अगर शिफ्ट करना चाहते हो थ्री फिंगर पे, तो आप लोगों को अपनी कस्टम एचओडी पूरी तरीके से चेंज करनी पड़ेगी। एंड यही नहीं गाइस सर, मैं इस वीडियो में भी आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग किस तरीके से अपनी कस्टम एचओडी चेंज कर सकते हैं, एंड यार एक परफेक्टली थ्री फिंगर कस्टम एचओडी बना सकते हैं। एंड यार ऑलमोस्ट मैं फिर से कह दे रहा हूं कि अगर आप लोग ने वो वीडियो नहीं देखा तो आप लोग जाकर देख सकते हो। एंड यार, इस वीडियो में मैं कवर करूंगा कि आप लोग किस तरीके से कॉपी लेवल का वन टैप कस्टम एचओडी थ्री फिंगर बना सकते हो। एंड यार, इस वीडियो में जो कि वो वीडियो में भी जो कि थ्री फिंगर एचओडी बताया था, एंड यार उसी वीडियो उसी हिसाब से इस वीडियो में भी आप लोगों को मैं बताने वाला हूं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एचओडी की। एंड यार देखो, ऑलमोस्ट कुछ इस तरीके से आप लोगों को अपनी एचओडी बना लेनी है, एंड यार कुछ इस तरीके से चेंजेस कर लेना है। आप लोग चाहो तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एंड यार, उस वीडियो को अगर आप लोग देखते हो तो गाइस सर आप लोगों को काफी ज्यादा इजीली तरीके से समझ में आएगा। एंड अभी हम लोग बात कर लेते हैं कि आप लोग किस तरीके से अपने एचओडी में आप लोगों को वन टैप ट्राई करना है। आप लोगों को मैं सारे रोटेशन रैक की ट्रिक बताने वाला हूं, जिससे ऑलमोस्ट हर बंदा एंड यार एक लीजेंड प्लेयर यूज करता है। तो सबसे पहले आता है रोटेशन रैक। अब देखो गाइस सर, बेसिकली अगर आप लोग एक नए प्लेयर हो थ्री फिंगर पे शिफ्ट हुए, तो एंड यार रोटेशन रैक काफी ज्यादा आप लोगों को प्रॉब्लम होते हैं, बट गाइस सर मैं इस वीडियो में आप लोगों को ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आप लोग एक कॉपी लेवल का वन टैप हेडशॉट मार लोगे। एंड यार ऑलमोस्ट हर बंदा कर सकता है। एंड यार आप लोग जैसे मेरे वीडियो के क्लिप में देख सकते हो कि गाइस यहां पे जो फास्टली मूवमेंट करते हुए मैं रोटेशन रैक का यूज करके इजीली तरीके से वन टैप हेडशॉट हर पोजीशन में मार ले रहा हूं। सो देखो गाइस सर, उस वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था। एंड यार ऑलमोस्ट आप लोगों को वीडियो देखना ही चाहिए। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, अपनी जो कस्टम एचओडी होती है उसके ऊपर थ्री फिंगर आप लोगों को जो फर्स्ट वाली फिंगर होती है उसको निकालने पड़ेगा, एंड मोस्ट अगर आप लोगों को वन टैप हेडशॉट मारना है तो। एंड यही नहीं गाइस सर, आप लोगों को क्या करना है कि अपनी जो कस्टम एचओडी होती है उसके हिसाब से आप लोगों को एक परफेक्ट फायर बटन की साइज एंड एक परफेक्ट पोजीशन पे रखना है, जिससे आप लोग रोटेशन रैक करने में काफी ज्यादा इजी हो। एंड देखो गाइस सर, रोटेशन रैक का मतलब ये नहीं कि गाइस सर आप लोग कहीं भी अपना एम रखो। अब देखो गाइस सर, रोटेशन रैक का मतलब ये होता है कि आप लोग को अपना या तो एम एनिमी के आसपास रखना, या फिर गाइस सर आप लोगों का एम जो है एनिमी के चेस्ट पे रखना है। ऑलमोस्ट अगर आप लोग ये दोनों चीजों को समझ जाते हो तो गाइस सर इजीली तरीके से वन टैप हेडशॉट मार पाओगे। एंड मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग जैसे मेरे वीडियो के क्लिप में देख सकते हो कि मेरा जो एम है गाइस सर, मैं देखो कहां पे रख के मार रहा हूं। एंड आप लोगों को कुछ इस तरीके से रोटेट करना है, एंड जिससे यार अगर आप लोग ऑलमोस्ट अगर रोटेट करोगे तो इजीली तरीके से मार पाओगे। एंड अभी हम लोग बात कर लेते हैं। देखो गाइस सर, काफी सारे बंदे की अलग अलग स्ट्रेटेजी होती है जो कि अलग अलग टाइप के रोटेट करते हैं। एंड ऑलमोस्ट मैं कहता हूं कि आप लोग दो साइड से रोटेट कर सकते हो, एक होता है लेफ्ट एंड एक राइट। एंड यार ऑलमोस्ट आप लोगों को इसमें से एक चुनना है जिसमें आप लोगों को परफेक्ट लगा है। एंड ऑलमोस्ट अगर मेरे को, तो मैं अपनी बात कर लूं तो मेरे को राइट साइड से ज्यादा परफेक्ट लगता है, जो कि मैं हमेशा राइट साइड से ही रोटेट करके इजीली तरीके से वन टैप हेडशॉट मारता हूं। सो गाइस सर, जैसे कि आप सब देख सकते हो, मैं राइट साइड से ही रोटेट करके इजीली तरीके से वन टैप हेडशॉट मार रहा हूं। एंड यार एम की बात की जाए तो आप लोग इसमें एम कहीं भी आप लोगों का रहेगा इजी तरीके से लगेगा, बट गाइस सर आप लोगों का जो एम है एनिमी के आसपास होना चाहिए, एंड जिससे आप लोगों को इजीली तरीके से वन टैप हेडशॉट लगेगा। एंड यही नहीं गाइस सर, अगर आप लोग देखो एक परफेक्टली वन टैप हेडशॉट मारना चाहते हो तो आप लोगों को एक परफेक्टली आप लोगों की एक्यूरेसी एंड यार रिकॉइल सिस्टम सब समझना पड़ेगा। एंड यार वो आप लोगों के डिवाइस के हिसाब से डिपेंड होता है। तो देखो गाइस सर, सबसे मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज सेंसिटिविटी। एंड सेंसिटिविटी आप लोगों की एक मिनिमम रिक्वायरमेंट के हिसाब से रखना है, यानी कि गाइस सर अगर आप लोगों का ओल्ड डिवाइस है तो आप लोगों को हाई सेंसिटिविटी रखना है। एंड यार आप लोगों का न्यू डिवाइस है तो आप लोगों को एक लो सेंसिटिविटी रखना है। एंड लो सेंसिटिविटी के रखने की वजह से आप लोगों को तभी धीरे धीरे समझ में आएगा। ऑलमोस्ट अगर आप लोग ये धीरे धीरे अप्लाई करते हो अपने मोबाइल के अंदर, तो आप लोगों को इजीली तरीके से वन टैप हेडशॉट लगेगा। तो बस गाइस सर, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद है, वीडियो पसंद है तो एक लाइक जरूर करना। एंड यार चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं गाइस सर नेक्स्ट वीडियो में।